बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास टेंथ मैथ एक्सरसाइज 6.2। इसमें हमने देखा कि क्लास टेंथ मैथ 6.3 इसमें क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.18 LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD। प्रूफ क्या करना है हमें कि AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। इसे हम कैसे करें तो देखते हैं हम। AM अपॉन AB और AN अपॉन AD, इसे करने के लिए हम देखते हैं। गिवन दिया हुआ है कि LM पैरेलल टू BC CB है, तो देख इन किस में होगा, LM और CB किस ट्रायंगल में है। इसमें देखेंगे ABC में जब LM पैरेलल टू CB दिया हुआ है, इसका अर्थ है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AM अपॉन MB या AM अपॉन AB। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB और AN अपॉन AD, AM अपॉन AB प्रूफ करना है। तो आपने बताया था BPT में कि दो कंडीशन हो सकता है, उसमें AM अपॉन MB और AN अपॉन LC भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि AM अपॉन AB और AN अपॉन AC, इसको ये भी हम लिख सकते हैं BPT से। तो हम बोलेंगे कि LM और CB जब पैरेलल है तो इससे क्या हो जाएगा कि AM अपॉन AB और AN अपॉन AC किससे, BPT से ये इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि LN पैरेलल टू CD, जब LN CD के पैरेलल होगा, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या पता है BPT से कि AN अपॉन LC और AN अपॉन ND, और दूसरा एक और कंडीशन है AN अपॉन AC और AN अपॉन AD। तो हमें इसमें क्या चाहिए, हमको प्रूफ में क्या चाहिए, AN अपॉन AD। तो हम वही कंडीशन लेंगे, हम लेंगे AN अपॉन AC लेंगे पूरा, देखो तो हम लेंगे AN अपॉन AC और AN अपॉन AD। इसमें क्या होगा, फ्रॉम वन और टू से क्या होगा, दोनों में AL और AC है, दोनों में सेम नंबर है, AL और AC जब सेम है तो उसको हम हटा देते हैं, और जो नहीं AM, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, AM और AB और AN और AD इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम वन एंड टू यू गेट AM AB AN AD, कट नहीं होता है, मतलब कि इसमें ये भी हो जाएगा AL और AC। लेकिन हमें जरूरत क्या है, हमें तो जरूरत है बस AM अपॉन AB और AN अपॉन AD का, हमें जरूरत है ना AM अपॉन AB और AN, इसे लिख देंगे AM अपॉन AB इजिकल टू AN अपॉन AD। फिर से समझो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रायंगल है जिसमें कि LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। तो कैसे करें पूछते हैं। इसके लिए हमने BPT में पढ़ा है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर दो उसके साइड पैरेलल हो तो BPT से हम इक्वल कर सकते हैं, तो वही हम किए। हमने ABC ट्रायंगल में हमने लिखा हुआ है कि LM और CB पैरेलल गिवन दिया है, तो हमने कर दिया कि AM अपॉन AB और AL अपॉन AC, इसको मान लिया इक्वेशन वन। सेकेंड में हम ABC में लिए LN पैरेलल टू CD, तो AN अपॉन AD और AL अपॉन AC सेकेंड मान लिए। फ्रॉम वन एंड टू दोनों से हमने क्या ले लिया कि जब दोनों में AL और AC सेम है, इसलिए प्रूफ हो गया। हमें ये तो प्रूफ करना था कि AM और AP और AN और AD, हमारा ये प्रूफ हो गया AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है
देखो दिया हुआ है इन फिगर 6.19 इसमें BE पैरेलल टू AC और DF पैरेलल टू AE। हमें क्या प्रूव करना है कि BF अपॉन AE, BF अपॉन AE, B अपॉन AC। तो देखो बच्चों, पहले हम सोचते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE। तो BF आता कहाँ है, किस में है? BF और FE आता किस में है? BF और FE आता है ABE में। BF और FE आता है ट्रायंगल ABE में। तो हम इसे ट्रायंगल में ले लेंगे, हम ABE में ले लेंगे। ABE में क्या पैरेलल दिया हुआ है? ABE में पैरेलल दिया हुआ है DF और AE। इसी बीसी इसमें ले लेंगे डीपीटी से। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि BE और EC। तो BE और EC, तो B और EC किस में आएगा? ABC में। इसमें गिवन में दिया हुआ है कि DF पैरेलल टू A, इसमें दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू AC। तो हम ये कंडीशन इसमें ले लेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो बच्चों हमने इस बनाया, ए बी से एक ट्रायंगल है, DE गिवन दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू AC और गिवन दिया हुआ है कि DF पैरेलल टू AE। हमें प्रूफ क्या करना है कि BF, हमें प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE और BE अपॉन EC। इसके लिए हम क्या करें, इन ट्रायंगल ABE, AB में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में जब DF A के पैरेलल हो, जब DF A के पैरेलल हो तो हम क्या करेंगे, ABE ट्रायंगल में जब DF A के पैरेलल हो तो BPT से क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। ये हो गया हमारा इक्वेशन वन, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के। तो DE और AC किस में आएगा, पूरे ट्रायंगल में, ABC में। तो देखो DE पैरेलल है तो जहां पैरेलल होता है उसी अकॉर्डिंग लेते हैं ना। तो इसमें हमारे कैसे लेंगे, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC ले लेंगे यहाँ पे। ये BE अपॉन EC, जब DE AC के पैरेलल है तो लेंगे BE अपॉन EC और BD अपॉन DA, ठीक है। वही करते हैं हम, इन ट्रायंगल ABC, BD अपॉन DA और BE अपॉन EC। फर्स्ट और सेकेंड दो कंडीशन हुआ ना, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो गया, देखो दोनों में क्या कॉमन मिल गया हमको, दोनों में BD अपॉन DA है। सेकेंड कंडीशन में BD अपॉन DA है, फर्स्ट कंडीशन में भी BD अपॉन DA है, दोनों में BD अपॉन DA है। इसलिए हमारा प्रूफ हो गया फ्रॉम ऑन टू, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC प्रूफ। थैंक यू।